हेलो आज हम पढ़ेंगे रामायण बुक टू कैंटो वन द हेयर ए सो लेट गेट स्टार्ट सो भरत टू हिज ग्रैंड वेंट भरत अपने नाना जी के घर गए हैं ओबीडियन टू द मैसेज सेंट क्योंकि उनके नाना जी के वहाँ से उन्हें मैसेज आया था और उन्होंने ओबीडियंटली उसका पालन किया है एंड फॉर हिज फोन कंपेनियन चूज एंड उन्होंने अपने साथ अपने बिलव्ड कंपेनियन को लिया है चूज़ किया है और वो कौन है देखते हैं शत्रुघ्न स्लेयर ऑफ इस फूज उन्होंने जो फोन कंपेनियन को चूज़ किया है वो है शत्रुघ्न और शत्रुघ्न का मतलब होता है स्लेयर ऑफ इज फूस अपने शत्रु का जो विनाश करता है देव भारत फॉर अ टाइम रिमेन वहाँ भारत कुछ समय के लिए रुके विथ लव ऑनर एंटरटेन उन्हें और बहुत प्यार मिला वहाँ सबने उनका बहुत रिस्पेक्ट किया और ये सब देख के उन्हें बहुत अच्छा लगा किंग अश्वपति कॉन्स्टेंट केयर किंग अश्वपति उनका बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे थे केयर कर रहे थे बिलव टाजर एंड हेयर जैसे कोई अपने बेटे को या फिर अपने उत्तर अधिक उत्तर अधिकारी को केयर करे वैसे ही वो अश्वपति भरत का केयर कर रहे थे येट एवर आज दे लिव एट ईज वहाँ वो बहुत कंफर्टेबली रह रहे थे फील ऑल अराउंड कम्बाइंड टू प्लीज द इट्स सायर द लेफ्ट बिहाइंड वॉज प्रेजेंट टू इच्स हीरोज माइंड लेकिन जो अपने एजेड फादर मतलब एजेड सायर जो कि हैं दशरथ उनको जो वो घर में छोड़ के गए थे वो उनके दिमाग में है वो भूले नहीं है कि उनके पापा को वो घर में छोड़ के आए हैं बोल के वॉज प्रेजेंट टू इट्स हिरोज माइंड नॉट कूड द किंग्स फॉन्ट मेमोरी स्ट्रे ना ही किंग को मतलब दशरथ का मेमोरी लॉस हुआ है ना ही वो भूले हैं मतलब वो भी दशरथ भी नहीं भूले कि उनका जो बेटा है वो उनसे दूर है नॉट कूड द किंग फॉन्ट मेमोरी स्ट्रे फ्रॉम हिज ब्रेव चिल्ड्रेन फार अवे कि उनके जो ब्रेव है वो भी उनसे दूर हैं डियर भरत एंड शत्रुघ्न डियर डियर इसलिए बोला जा रहा है ये दिखाने के लिए वो कितने लवेबल हैं दशरथ के लिए इश वरुण स्मैच और इंद्रस्पियर जो भरत और शत्रुघ्न है इन दोनों को वरुण और इंद्र से कंपेयर किया जा रहा है क्योंकि इनका जो क्वालिटीज है वो इंद्र और वरुण का जैसा है वैसा ही है वरुण गॉड ऑफ ओशन है एंड हेड ऑफ ऑल गॉड टू ऑल द प्रिंस यंग एंड ब्रेव जो सारे प्रिंस सारे यंग भी हैं और ब्रेव भी हैं हिज शोल विथ फॉन्ट एफेक्शन क्लेव एंड वो सबसे इक्वली प्यार करते हैं किसे ज्यादा फिर किसी कम नहीं करते अराउंड हिज लविंग हार्ट दे क्लंग लाइक आर्म्स फ्राम हिज ओन बॉडी स्ट्रंग द फोर चिल्ड्रन ऑफ द हैंगिंग जस्ट लाइक द फोर हैंड ऑफ विष्णु फ्रॉम द बॉडी जो उनके चार बेटे हैं वो दशरथ के मतलब वैसे ही दशरथ के हार्ट के साथ जुड़े हुए हैं मतलब ऐसे ही दशरथ के हार्ट से जो जैसे विष्णु का चार गो हाथ होता है तो वैसे ही दशरथ के हार्ट से चारों बेटे वैसे ही कनेक्टेड हैं वैसे ही झूल रहे हैं लाइक आम फ्रॉम हिज ओन बॉडी स्ट्रॉन्ग बट बेस्ट एंड नोबेल ऑफ द फोर बट उन चारों में से बेस्ट कौन है नोबेल कौन है गुड एज द गॉड जो भगवान की तरह अच्छा है हुम ऑल एडोर जिसे सब वॉशिप पूजा करते हैं लॉर्ड ऑफ ऑल वर्च्यू जो सारे गुड क्वालिटीज के भगवान हैं डेलीफाइड अन डेलीफाइड का मतलब होता है अनडिफाइंड हिज डार्लिंग वॉज इज एल्डस्ट चाइल्ड बट उसका जो प्रिया है वो कौन है उनका एल्डस्ट चाइल्ड है मतलब सबसे बड़ा बेटा जो है रामा फॉर ही वॉज ब्यूटीफुल एंड स्ट्रांग क्योंकि वो ब्यूटीफुल भी है और स्ट्रॉन्ग भी है फॉर एवर फ्री उसे जेलस नहीं होता वो जेलस फ्री है एंड फो ऑफ रोंग वो जो पूरे काम करते हैं उनका वो एनिमी है फो ऑफ रॉन्ग मतलब जो गलत करते हैं उनका वो एनिमी है विथ ऑल हिज फादर वर्च्यू ब्लेस्ड उसके पास जितने उसके पापा के गुड मॉरल्स हैं मतलब जो उनके पापा के अंदर क्वालिटीज़ हैं अच्छे मॉरल्स हैं वो सब रामा में हैं एंड पियरलेस इन द वर्ल्ड कॉन्फेस्ट और वो वर्ल्ड में पूरा यूनिक है उनके ऐसा कोई नहीं है विथ प्लेसिड सोल ही सॉफ्टली स्पोक वो अपने सॉफ्ट सोल के साथ वो हमेशा सॉफ्टली अच्छे से प्यार से बात करते हैं नो हार्श रिप्लाई कुड टोंट प्रोवो कोई अगर उन्हें हार्श रिप्लाई भी कर दे वो कभी उसे टोंट नहीं मारते ही एवर लव गुड एंड सेज वो हमेशा जो अच्छे लोग हैं और जो सेज हैं उनसे वो उनको वो बहुत प्यार करते हैं क्यों करते हैं न रिवर्ट फॉर वर्च्यू एंड फॉर एज क्योंकि उनके पास जो गुड मॉरल्स है, उनके जो वर्च्यूज़ हैं उनके चलते और उनका एज के चलते एंड वेन हीज मार टेल्थ टास्क ओवर और जब उनका वर् रिलेटेड टास्क और उनका जितना टास्क होता है वो सब खत्म हो जाता है स्टेट लिशन टू दे पीसफुल लोड तो वो जाते हैं वो स्टेज लोग के पास बैठ के उनका लोर सुनते हैं लोर मीन्स वो स्टोरी होता है जो एक कल्चर में चला आ रहा होता है जैसे कि अगर आप बिहारी हैं तो आपको पता होगा कि छठ को लेकर भी पुरानी बहुत सारी मान्यताएँ हैं कि ऐसा कुछ हुआ था उससे ये हुआ था इसीलिए हम मानते हैं तो उसी तरह से जो पीसफुल लोअर उसी को लोर कहते हैं वो स्टोरी सबको ही लोअर कहते हैं तो वो बैठ के वो सुना करते थे वॉइस थे वो मॉडस्ट वॉइस मॉडस्ट प्योर ही ऑनरेबल एल्ड वो वॉइस थे मॉडस्ट थे और उनका वो बहुत प्योर भी थे और वो हमेशा एल्डर का रिस्पेक्ट करते थे हिज लिप्स फ्रॉम लाइंग टेल्स विथ हेल्ट उनके मुंह से कभी झूठ बात नहीं निकलता था ट्यू रेफरेंस टू द ब्राह्मण स्केप यही रेफरेंस ब्राह्मण भी देते हैं एंड रूल इज पैशन लाइक अ स्लेव वो अपना हर पैशन पैशन मतलब होता है इमोशन जैसे कि हम हंसना रोना सैड होना ये सारा इमोशन है तो वो सारे इमोशन को कंट्रोल कर सकते थे उनमें ये पावर थी वो सारे इमोशन मतलब जैसे कि हम लोग को रोना आता है हम लोग रो देते हैं हमें गुस्सा आता है हम लोग गुस्सा जाहिर कर देते हैं लेकिन वो ये सब को कंट्रोल कर सकते थे तो वो उन सबको कंट्रोल क्या करते थे मोस्ट स्टेंडर वो टेंडर थे मोस्ट टेंडर प्रोमनेंट एट हिज ड्यूटीज़ कॉल वो अपने काम को लेके बहुत सीरियस थे वो अपने काम को लेके सीरियस थे और बहुत निष्ठावान थे लव्ड बाय ऑल मैन ही लव डेम ऑल सब उनसे बहुत, बहुत प्यार करते थे और वो भी सबसे बहुत प्यार करते थे प्राउड ऑफ इज ड्यूटी ऑफ इज रेस प्राउड ऑफ इज ड्यूटी ऑफ इज रेस विद स्पिरिट मेड फॉर वेरियर्स प्लेस ही स्ट्रोप टू विन बाय ग्लोरियस डीड थ्रॉन्ग्ड विथ द गॉड और प्राइसलेस मीट उनके लोगों के लिए जो उनकी ड्यूटीज़ हैं वो जो अपने लोगों के लिए जो ड्यूटीज़ करते हैं वो वो सब प्राउडली करते थे और विथ स्ट्रेंथ रेडी एंड सी द वर्क इन अ पॉजिटिव वे वो हम उसका स्ट्रेंथ हमेशा रेडी रहता था और वो वर्क को वो एक पॉजिटिव वे में देखते थे ही स्ट्रगल टू विन विथ हिज नोबेल एक्शन वो स्ट्रगल करते थे वॉर को जीतने के लिए थ्रॉन्ड विथ द गॉड और प्राइजलेस मेड वो जो गॉड का उन्हें पोजिशन मिला वो किस लिए मिला उनके ई सब गुड क्वालिटीज के चलते उन्हें लोगों ने भगवान का दर्द दिया भगवान का दर्जा दिया भगवान का अहदा दिया ड्यू टू हर मोरल्स हर गुड वर्च्यूज ऑफ राम With him in speech and quick reply, बृहस्पति might hardly वाई राम के साथ speech में और quick reply करने में बृहस्पति भी नहीं मतलब तो नहीं कर पाते थे राम से जो स्पीच और रिप्लाई करने में राम बहुत fast थे क्योंकि उनका नॉलेज बहुत था उनको हर चीज़ के बारे में नॉलेज था एंड जिसका नॉलेज होगा वो ऑब्वियसली आंसर दे पाएगा स्पीडली और वो भी बहुत ईजी